नटखा छोटू। बल्लू भैया गेंद पकड़ो। पकड़ो सुती। बज गई घंटी। सुती तुम ठीक तो हो? क्या हुआ सुती? गेंद जब नीचे आ रही थी तो मुझे लगा आसमान मेरे ऊपर गिर रहा है। सुती तुम्हें आसमान नहीं गेंद देखनी थी। बच्चों क्या तुमने एक छोटे बच्चे को देखा है? नहीं हमने नहीं देखा। छोटा सा है वो, पता नहीं कहाँ चला गया। सब्र करो, हमारा बच्चा हमें मिल ही जाएगा। वो कैसे खो गया? हम खिलौने बनाते हैं, तुम्हारे शहर में कल ही आए हैं। हमने सड़क के पास दुकान लगाई है, हम काम में लगे थे, फिर देखा तो छोटू वहाँ नहीं था। क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? उसकी दादी खिलौने बेचने निकली है, हो सकता है वो उनके साथ हो। हाँ, चलिए उन्हें ढूंढते हैं। हाँ हाँ चलो। बच्चों खेलने के बाद भूख लगी होगी ना, चलो आओ खाना खा लो। माँ जैसे पराठे और कोई नहीं बना सकता। बल्लू अकेले ही खाओगे या मुझे भी चखाओगे? हाँ हाँ सुद्दी तुम भी लो। मेरा पराठा कहाँ गया? तुम्हारे पेट में बल्लू। बल्लू पराठा नहीं देना है तो मत दो, पर बहाने तो मत बनाओ। मैं बहाना नहीं बना रहा सुद्दी, मैं सच बोल रहा हूँ। सुद्दी तुम मेरा पराठा ले लो। मेरा पराठा कहाँ गया? अभी तो यही था। किसना तुम्हारा भी? मैं सच बोल रहा हूँ सुद्दी। ये कौन हंसा? बू 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 बू। तो ये है पराठा चोर। तुम्हारा नाम क्या है? बूबू। इसका नाम बूबू है। रुको बूबू। काका काकी का तो नहीं जो कुछ देर पहले हमसे मिले थे? हो सकता है राधिका कि ये उन्हीं का बच्चा हो। फिर तो हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। हाँ भैया, पर उससे पहले हमें इस घोंसले को उसी पेड़ पर रख देना चाहिए, वरना इसकी माँ बहुत परेशान होगी। अरे ये बच्चा किसका है? गुरुजी ये बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया है। हम इसके माता पिता को ढूंढ रहे हैं। चलो वापस चलकर इसके माँ बाप को ढूंढते हैं। अच्छा तुम लोग यहाँ पता करो, मैं आगे जाकर देखता हूँ। भैया यहाँ कोई खिलौना बेचने वाला आया था क्या अपना बच्चा ढूंढते हुए? नहीं बेटा इधर तो कोई नहीं आया। लगता है बूबू को भी भूख लगी है। इसका नाम बूबू नहीं है, इसने खुद ही बताया है, है ना बूबू? शायद इसे भूख लग रही है। मैं अभी दूध की बोतल तैयार करता हूँ। तुम लोग इसे दूध पिलाओ, तब तक मैं और राधिका आसपास पता करते हैं।
अरे बूबू कहाँ गया? बज गई घंटी। जी, इसके माता पिता का कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। हाँ, एक काम करते हैं, सेनापति जी के पास चलते हैं, शायद उन्हें कुछ खबर हो। मैं सेनापति जी से पूछ कर आता हूँ। तुम सब इसका ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। लगता है घोड़ों को भूख लगी है। बल्लू, तुम्हें कैसे पता इन्हें भूख लगी है? सुद्दी, ये घोड़े सुबह से गाड़ी खींचने में कितनी मेहनत कर रहे हैं, अब इन्हें भूख तो लगी होगी ना। घोड़े को खाता देख तुम्हें भी भूख लग गई बल्लू। टोटो, बल्लू ने घोड़ों को खाना देने में बहुत मेहनत की है, इसीलिए भूख तो लगी होगी ना। अरे ये क्या कर रहे हो? ओह, ये क्या किया? सबने आज एक बहुत बड़ा काम किया है। ये लो,
हमारी तरफ से। काका, ये हमने किसी लालच में नहीं किया। काका, इसका नाम बूबू है ना? इसका नाम छोटू है। देखा, तुम्हें अच्छा लगता है तो आज से इसका नाम बूबू।